हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ छोटा सा वीडियो है, जूनियर लीगल ऑफिसर्स के बारे में है, इस एग्जाम के बारे में है कि ये एग्जाम जो है अभी कब कंडक्ट हो रहा है, इसके सेंटर कहाँ आते हैं और इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे और भी थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने जूनियर लीगल ऑफिसर्स के बारे में, इस एग्जाम के बारे में अपने वीडियो यहाँ पे डाले हैं, तो प्लीज अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके इसी चैनल पे आप सर्च कीजिए, वो वीडियो को मिलेगा और आप देखिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा उन वीडियो को देखने से। अभी जो मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अभी ये है कि आचार संहिता लगने वाली है राजस्थान में, चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव। तो अभी है कि आरपीएससी जो है, जो कि जूनियर लीगल ऑफिसर्स के एग्जाम भी वही कंडक्ट करवाएगी, साथ ही काफी सारे एग्जाम्स है जो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है। अब इस समय में आरपीएससी ने बहुत सारे एग्जाम्स की डेट जो है वह आगे कर दी है। तो एक चीज ये भी हो रही है कि क्या जो जूनियर लीगल ऑफिसर्स की जो एग्जाम की डेट है वह अभी जो है वह रहेगी या तो फिर वह आगे चली जाएगी, और अगर वह आगे फॉरवर्ड होती है तो वह 2023 में नहीं होगी, वह सीधे 2024 में आएगी। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हो रही है, बट ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, इससे पहले हम बता दें कि इसकी जो एग्जाम की डेट है, सबसे पहले इसकी जो एग्जाम की डेट आई थी वह आई थी 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, और इसमें जो है उसके बाद में आरपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ और बाद में ये जो डेट थी उनको चेंज करके 4 नवंबर और 5 नवंबर को किया गया था। इसका रीजन ये था क्योंकि 29th ऑफ नवंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के एग्जाम भी उसी दिन होने वाले थे। उसी दिन जो है ये एग्जाम होने की वजह से कैंडिडेट्स को काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने की AIBE के एग्जाम भी देने हैं और जिनको की JLO के एग्जाम भी देने हैं। अब यहाँ पे समस्या ये भी हुई थी कि कौन सा एग्जाम देंगे, बहुत सारी अटकलें होती है कि क्यों ना हम जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम ही दे देते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी 5-6 साल से एक बार इसकी पोस्ट आती है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है वो तो हर 6 महीने से 12 महीने से होता ही रहता है। लेकिन ये सब के बीच में आरपीएससी ने गुड न्यूज दे दी थी, उन्होंने जो है 29 अक्टूबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की जो डेट थी वह रखी, साथ ही JLO की जो डेट थी उसको आगे खिसका के उसकी डेट 4 नवंबर और 5 नवंबर कर दी गई है। अब इससे ये तो चीज क्लियर हो चुकी है कि आरपीएससी ने एक बार जो डेट है वह चेंज करके दूसरी बार कर दी है, तो अभी वह डेट को चेंज नहीं करेगी, जितना कि हम देखते हैं कि अभी वो डेट भी चेंज नहीं करने वाली है और सिर्फ एक महीना ही अभी बीच में रहता है, तो वह इस बीच में ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, ऐसा अभी सुनने में आया है। अच्छा, बात करते हैं इसकी सेंटर की। सेंटर के बारे में ऐसा है कि मोस्टली जो इसका सेंटर होता है वो जयपुर और जोधपुर होता है। उसके बाद में कैंडिडेट्स की कितनी संख्या है, कितने लोग, क्योंकि इसको बाहर के स्टेट्स भी जो है यहाँ पे अलाउड है, वो लोग भी आके एग्जाम दे सकते हैं, तो कितने ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तब वहाँ पे थर्ड जो हमें सेंटर मिलता है वह होता है अजमेर सेंटर, और फिर उदयपुर सेंटर और बीकानेर सेंटर। लेकिन लगभग जो है आप मान के चलिए कि जयपुर जोधपुर तो है ही, वो तो कंपलसरी है ही, उसके अलावा आप अजमेर और उदयपुर आप ये मान के चलिए कि ये जो एक दो और है वह हो सकते हैं। अच्छा, इस एग्जाम में कौन लोग दे सकते हैं, ये एग्जाम कैसे होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी पारी में ये एग्जाम होता है, उन सब का डिटेल वीडियो मैंने यहाँ इस चैनल पे बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। अभी बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड का ऐसा है कि अभी कुछ 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है, आरपीएससी की तरफ से भी ये थी कि आरएएस के जो एग्जाम्स हैं उस एग्जाम में से 3 दिन पहले वह एडमिट कार्ड जारी करेगी। तो हो सकता है कि JLO का जो एग्जाम रहेगा उसके भी 1 वीक या उसी वीक के बीच में ही आपको जो है एडमिट कार्ड मिले। फिलहाल एडमिट कार्ड का ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कब मिलेगा, लेकिन ये एक जो डेट है वह हो सकती है। बाकी अगर अभी पहले के हिसाब से तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल रहे थे, लेकिन अभी 4 और 5 नवंबर जो डेट आई है उसके बाद से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं एडमिट कार्ड का, तो बस वेट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि 1 वीक के अंदर ही यह जो एडमिट कार्ड है ये जारी होते हैं।
अच्छा बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, और ये कि ये एग्जाम रहेगी आपकी 2 दिन तक रहेगी, तो आप जहाँ भी किसी भी सेंटर में आप जा रहे हो तो आप प्लीज पूरा देख के ही जाइएगा कि आपको वहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन का स्टे आपको मिले, और हो सके तो गैदरिंग में आप चले जाइए, और एडमिट कार्ड या आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होती है, आपके एडमिट कार्ड होते हैं, और जो भी आपका आई कार्ड होते हैं वो मंगवाते हैं, तो वो सभी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार होता है कि आरपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वहाँ पे ये सब दिक्कतें आती है। अगर आपने कुछ एक ऐसा निर्देश दे रखा है कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहननी है, या आपको रिंग नहीं पहननी है, पायल नहीं पहननी है लेडीज को, या बहुत सारी ऐसी इस जो भी आपको नोटिफिकेशन में मिलता है, आपको निर्देश दिए जाते हैं वहाँ पे, तो प्लीज आप उन सब चीजों को मानिएगा, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें रेस्ट्रिक्ट करी जाती है कि अगर आपने पहन के रखा है तो आपको वहां पे एग्जाम देने से रोक लिया जाएगा, और उस समय आपका जो एग्जाम का टाइम है वह खराब होगा, और आपने जो दिमाग एकदम से शांति से बनाए रखा था एकदम एग्जाम के लिए, तो वहां पर भी फर्क पड़ता है। तो विशेष ध्यान रखना आरपीएससी के एग्जाम में, यह बहुत जरूरी है। एग्जाम देने के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ, आपको जो अदर चीजें, जो उनके नोटिफिकेशन, जो उनके डायरेक्शंस आते हैं, उन पर भी आप 100% काम करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक जो आजकल हर एक मोस्टली हो रहा है कि जुडिशरी में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो जेलों में अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, और अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी के भी जो 140 पोस्ट के हिसाब से जो ये एग्जाम लगने होने वाली है उसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स रहेंगे जुडिशरी के, उनमें ये चीज हो सकती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एमपी जुडिशरी हो या महाराष्ट्र जुडिशरी हो, वहां धीरे धीरे अभी हर एक जुडिशरी जो है एक्सपीरियंस मांग रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप, अगर आपने AIB का भी अभी तक पेंडिंग रखा है तो उसको भी आप क्लियर कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक बार को आपका AIB क्लियर होता है उसके बाद ही आपको COP मिलेगी, और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस के लिए जा पाओगे, और आपका जो है एक्सपीरियंस वहां से काउंट होगा। खैर, ये तो हुई दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, और दूसरी ये कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, पहले 1/4 1/3 में हुआ करती थी, लेकिन अभी के हिसाब से, अभी कोई नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से अगर हम बात करते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग की, तो वहां पे अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं तो वहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और आपने वहाँ पे अगर 9 क्वेश्चंस को गलत किया है तो वहाँ पे आपका 1 मार्क जो है वहाँ पे कट जाएगा। इस तरह की कुछ 1/3 में ये सिस्टम रहता है, और काफ़ी डीप क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आरपीएससी के 5th ऑप्शन की, जो इसी साल आरपीएससी ने शुरुआत करी है, तो इसके लिए भी ये चीज़ है कि जो 5वां जो ऑप्शन है वह कहाँ आने वाला है। तो जो आपको पेपर मिलेगा, जो आरपीएससी आपको पेपर देगी, जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर अगर आपके हाथ में रहेगा, तो वहां आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, ABCD क, जो भी उसका रहेगा, लेकिन आपको OMR सीट में 5वां जो ऑप्शन है वह मिलेगा। इसका रीजन ये है कि आप किसी भी, अगर आपको 150 क्वेश्चन का हम एक बार मान के चलते हैं, तो आपको 150 क्वेश्चन में आपको जो है, आपको हर एक क्वेश्चन में गोला भरना है। अगर आपको 4 क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली आपको पता है कि पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स के जो हैं, उनको तो आपको देखना ही है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर आपको ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन है कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है मैं नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं इसको गलत करता हूं तो यहां पे मेरे मार्क्स कट सकते हैं, तो वहां पर उस ऑप्शन में आप जो है, नॉर्मल है कि आप 1, 2, 3, 4 चारों को ही नहीं चुनने वाले हो, वहां पर आपको जो 5th ऑप्शन को, वहां पे आपको उस गोले को जो है आपको भरना होगा, और ये कंपलसरी है। अगर आप किसी भी रीजन से, भूल से, अगर वह जो 5th ऑप्शन है उसके गोले को भरना भूल जाते हो, तो वहां पर आपके जो है मार्क्स को काट दिया जाएगा। हो सकता है आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, आपने अपने हिसाब से नेगेटिव मार्किंग जो हमेशा करते हैं उस हिसाब से पूरा प्लान करके आपने पूरा पेपर अच्छे से किया है, लेकिन अगर 150 क्वेश्चन में आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आप पासिंग मार्क में हो, लेकिन आपने जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, आपने 5th जो पॉइंट है उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया है, गोले को नहीं भरा है, तो वहां पर आपके जो है मार्क्स कटेंगे। तो हो सकता है वहां पे आपका जो पास या फेल का स्टेटस है वहां पे वो चेंज हो सकता है। तो बहुत जरूरी है एकदम
मैंडेटरी है एक्चुअली कि आपने इस गोले को भरना ही है, आपको जो है यह ऑप्शन में रहेगा, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान से दो बार देख के बड़े ही सजग तरीके से आपको ये पेपर देना है। तो आशा करती हूँ कि जूनियर लीगल ऑफिसर्स के ऊपर जो मैंने ये एक वीडियो बनाया है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन से जुडिशरी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कौन सी आपको कोई भी एक टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।